हेलो गाइस, नाश्ता वगैरह हो गया है और इधर मैं बाबू का टिफ़िन भी रेडी कर दी हूँ और बैग में रख दी हूँ। और एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये बैग और जो ये पेंसिल बॉक्स है ना, दोनों ही ऑनलाइन परचेस किया है और डोरीमोन का है। मेरे बाबू को पसंद आया तो मेरे बाबू ने बोला मुझे चाहिए तो ऑर्डर दिया था, तो आ गया चीटो, है। चीटो, और बहुत ही प्यारा है। आप सभी लोगों को कैसा लगा? और बाबू को स्कूल छोड़ के मैं आ गई हूँ और अभी है सुबह के समय और मैं अब करूँगी अपना घर का क्लीनिंग। सो सुबह सुबह का यही होता है काम रोज का। तो चलिए, तो उससे पहले हेयर को थोड़ा सा मैं क्लिप लगा लूँगी क्योंकि गर्मी में ना हेयर ओपन करके रखना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है आजकल, सच में बहुत ही ज़्यादा गर्मी। फ़ैन चलता है फिर भी बहुत गर्मी लगता है, तो ये मतलब हेयर को ओपन करके रख ही नहीं सकती हूँ मैं। तो चलिए, तो मैंने क्लिप लगा लिया है और अब मैं करूँगी अपना घर का साफ़ सफाई। एंड तो अभी ना मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मेरे जुल्फे कैसे उड़ रहे हैं तो अच्छा लगता है कभी कभार इस तरीके से करना। तो इधर हो गई हूँ मैं रेडी, तो चलो करते अपना काम। तो उससे पहले ना मच्छी वाला आया था, तो मच्छी ले लेते हैं। बड़ा ले आओ, नदी का मीठा ना साफ करना पड़ेगा। यो के गन हो से धोरे बोल, ये ले लो। कितना करके? ये 70 रुपए पूरा। हां 50 रुपए वाला नदी का मच्छी मिलेगा, वो 50 दूने देगा। डालो ये सन नदी का मच्छी ऐसे लेते हैं। नदी में मिक्स भी कर दिया तो कब लिया था? कल ना आज ही। मच्छी ले ली हूँ। मच्छी लेने के बाद अब आ गई हूँ बेड को झाड़ने के लिए। बहुत धूल धूल है और ये जो बेड है ना, सिंगल बेड का है। जो हमारा बेड का जो बेडशीट है ना, उसे धोना है। मैं निकाल के साइड करके रखी हूँ और साइड में दिख रहा होगा आप लोगों को पिंक कलर का। तो चलिए मैं अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ। एंड आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगता है ज़रूर बताना। हफ्ते दिन के बाद मैं अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप सभी लोगों से और काफ़ी कमेंट आ रहे थे कब व्लॉग शेयर करेंगे, कब व्लॉग आएगा, कब व्लॉग पोस्ट करेंगे। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा व्लॉग को मिस कर रहे थे। तो लो जी, लेकर आ गई हूँ हफ्ते दिनों के बाद अपना एक न्यू व्लॉग, न्यू डे। और आप सभी लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताना एंड प्यार देना, सपोर्ट करना प्लीज़। इतना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो चलिए कर लेते हैं अपना काम। अब मैं आ गई हूँ थोड़ी सी हवा खाने के लिए। बहुत देर हो गई है फ़ैन ऑफ़ करके अपना रूम को साफ़ कर रही थी क्योंकि धूल, अगर फ़ैन ऑन करके साफ़ करो तो धूल कहाँ जाएगा, फिर बिस्तर में ही आएगा। तो इस फैन का हवा बहुत तेज़ है और बहुत अच्छा है और ठंडा ठंडा हवा। आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाऊँगी, चुन्नी लेके दिखाऊँगी, इतना तेज़ चलता है ना। तो देखिए चुन्नी भी उड़ने लगा। ये तो हल्का है, मोटे मोटे कपड़े भी पूरा उड़ते हैं। तो बस दिखाना था आप लोगों को, पहले भी मैं दिखाई हूँ। तो देखिए चुन्नी उड़ के चला गया। तो चलिए मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद नाश्ता तो बना ली थी तो नाश्ता करूँगी थोड़ी देर बैठने के बाद। और इधर मैं लेकर आ गई हूँ नाश्ता, तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। सो गाइस, अब हो गया है मिस्त्री लोगों को चाय देने का टाइम। तो आज मैं बनाई हूँ काली चाय क्योंकि दूध लाने में लेट कर दिए हैं, तो इसी वजह से मैं काली चाय ही बनाई हूँ। और बहुत टेस्ट लगता है, गोल मिर्च वगैरह, तेज़पत्ता वगैरह ऐड करके बनाओ तो इलायची भी डालने से बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक, चीनी थोड़ा भर के देना चाहिए लाल चाय में और उसके बाद, यानी कि काली चाय, और उसके बाद चुटकी भर नमक देती हूँ तो चाय का स्वाद बढ़ जाता है। तो चलिए मैं दे देती हूँ मिस्त्री लोगों को चाय, फिर मिलती हूँ, फिर अपना काम करती हूँ।
तो आधा काम करने के बाद भूख लगी थी, नाश्ता कर ली हूँ और थोड़ा सा और साफ सफाई बाकी है तो चलिए मैं कर लेती हूँ। पता है गाइस, झाड़ू लगाने के बाद जो मशीन में खींचती हूँ ना तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि नीचे का फर्श मिट्टी है, पलस्तर नहीं है, तो इसी वजह से मशीन खींचा ही नहीं जाता है। उसके बाद उसके चक्का है, लेकिन अगर पलस्तर होता तो अच्छे से खींच लेती है। जब मैं खींचती हूँ ना पूरा मिट्टी जो है निकल जाती है। तो कोई नहीं, कुछ दिनों तक उसके बाद फिर हमारा घर रेडी हो रहा है। आप लोगों को मैं शॉर्ट वीडियो में दिखाई थी, महीना दो महीना बाद फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे नए घर में, तो फिर पूजा भी करेंगे, तो आप लोग को बुलाऊंगी, ज़रूर आइएगा। और इधर शीशा वगैरह साफ़ कर ली हूँ, और इधर पे भी थोड़ा सा जो इन्वर्टर वगैरह है उसे भी साफ़ की हूँ, और उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ झाड़ू। सो गाइस, अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। तो इधर जो मच्छी लिए थे ना मम्मी जी साफ़ करके रखी थी, इसमें नमक हल्दी ऐड कर दी हूँ, और अब मैं ऐड करूँगी फ्राई। मच्छी का सब्जी रेडी हो गया है, और इधर पानी साग बनाई, पानी साग की रेडी होने वाली है लगभग। और इधर मेरा रूम देखिए पूरा क्लीन हो गया है, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। एंड आज का ब्लॉग यहीं तक है। ब्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।